अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज संडे स्पेशल नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 350 ग्राम में गेहूँ के आटे ली हूँ। 2 मुट्ठी मेथी साग है जिसे मैं पत्ते निकाल के पहले धो ली, उसके बाद फिर मैं बारीक काट ली हूँ। 2 बॉईल किया हुआ आलू है इसे डाल देंगे। थोड़ा सा बेसन डाल देंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज है फाइन चॉप किया हुआ, उसे डाल देंगे। 3 हरी मिर्च है, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच अजवाइन है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। टेस्ट के हिसाब से नमक आप डालिएगा, मैं 1 चम्मच डाल ली हूँ। और 2 चम्मच में घी डाल ली हूँ। आप इसके जगह पर फॉर्चून ऑयल भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं घी में मैं बना रही हूँ। देखिए अच्छे से, मतलब इसे सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। इसे फिर तेल लगा करके अच्छे से इसे गूंद लेंगे। और तेल लगा करके ऊपर से उसके बाद ढक करके 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दी थी। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, तो इसी वजह से सूखा आटा लगा लगा करके एक मीडियम साइज़ का पेड़ा बना लेंगे, ना छोटे ना बड़े, मीडियम साइज़ के। तो चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इतना आटा सॉफ्ट गूंदा था कि मतलब बेलने में नहीं हो रहा था, तो सूखा आटा लगा करके ही बेलिएगा। क्योंकि मैं फर्स्ट पराठा बेली थी तो मैं सोची थी कि ऑयल लगा करके ही मैं बेलूंगी। अब देखिएगा आगे कितना परेशान हुई थी मैं, बेल नहीं पा रही थी। तो मैं ट्रायंगल का शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो सर्कल का भी शेप दे सकते हैं। देखिए मैं ऑयल लगा करके सोची मैं बेलूंगी, तो नहीं बेल पा रहे थे क्योंकि आटे बहुत सॉफ्ट बना था, ऊपर से मैं ऑयल लगा दे रही थी तो मतलब बेलन में चिपक जा रहे थे, नहीं बेल पा रहे थे। तो इसी वजह से आप ऑयल में मत बेलिएगा, आप क्या कीजिएगा सूखा आटा लगा लगा करके बेलिएगा। देखिए अभी मैं सेकेंड पराठा बनाऊँगी तो खुशका लगा करके ही मैं बेलूँगी, क्योंकि तेल लगा करके नहीं मतलब बेलने में बन रहा था, तो इसी वजह से मैं तेल नहीं लगाऊँगी। थोड़ा सा तेल अंदर में लगा करके उसके बाद फिर ट्रायंगल का शेप दे दूंगी। ट्रायंगल का शेप मेरे बेटे का फरमाइश था, बोली थी मम्मी, बोले थे कि मम्मी ट्रायंगल का शेप दीजिएगा, तो इसी वजह से मैं ट्रायंगल का शेप दे रही हूँ। देखिए सूखे आटे लगा करके मैं बेली तो कितने अच्छे से पराठे बेल गए। इसी वजह से सूखे आटे ही लगा करके आप बेलिएगा। स्लो फ्लेम पे पराठे को सेक रहे हैं हम, तो जब तक इधर पराठा जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं। बेला हुआ रहेगा तो जल्दी से सीखने में आसानी होगा, इसी वजह से मैं पराठे को जल्दी जल्दी इधर बेल करके रख दे रही हूँ। उधर स्लो फ्लेम पर मेरे पराठे सेक रहे हैं, तो 2 सेकंड हो गए हैं स्लो फ्लेम पे। तो अब मैं थोड़ा सा फ्लेम को बढ़ा दूंगी और उसके बाद फिर ऑयल लगा करके सेक लेंगे। मैं घी में सेक रही हूँ पराठे को, तो घी में अच्छे से सेक लेंगे, अलट पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से घी में सेक लेंगे। तो देखिए ये वाले पराठे मेरे कैसे सेफ आ गए, क्योंकि मैं ऑयल लगा करके बेली थी, तो इसी वजह से आप ऑयल मत लगाइएगा, सूखे आटे में ही बेलिएगा। बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत सॉफ्ट बना था ये पराठा। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। तो कैसा बना था मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही टेस्टी बना था, आप इसे भुने मटन चिकन के साथ भी खा सकती हैं। तो देखिए मेरे 6 पराठे बन के रेडी हो गए थे, बहुत ही सॉफ्ट बना था। मैं मतलब टमाटर की चटनी या ग्रीन चटनी के साथ सर्व की थी, तो देखिए मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना था। देखिए अब जैसे मतलब चाहिए वैसे ही आप पराठे को कर दीजिए, लेकिन बिल्कुल नहीं टूटता नहीं कुछ होता, इतना सॉफ्ट बना था ये पराठे। तो आप भी इसी तरीके से बनाइए बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग को तो बहुत पसंद आता है चटनी के साथ, टमाटो सॉस के साथ भी कितने बच्चे को पसंद आता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैसा बना था मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।